इस बड़े में हम लोग बात करने वाले हैं, आप सभी लोगों को बताई है कि एक बहुत ही शानदार तेजी हम लोग को बाजार में फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड खास करके तेजी स्पेशल क्यों है, यस बाजार ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे अचीव कर दिया है, नया टाइप का ऑल टाइम हाई। ठीक है, अगर हम लोग ऑल टाइम हाई की बात करें तो आज के दिन यस निफ्टी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करें, क्योंकि सेंसेक्स ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई कुछ ही दिनों पहले लगाया था। हाँ, आज के दिन सेंसेक्स की भी बात करें तो एक नया ऑल टाइम हाई उन्होंने यहाँ पे दर्ज करके रखा हुआ है। एनीवेज, सो निफ्टी की बात करें, मार्केट की बात करें, तो जैसे ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगता है दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी आपको बहुत बार ये चीज़ सिखा के रखी हुई है, शायद से ये कोई देखा गया तो कोई नया वीडियो तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ों को रिपीट करते रहता हूँ, क्योंकि हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बिजनेस पॉइंट के हिसाब से होती है एंड फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स होती है उनके हिसाब से। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, अच्छे बिजनेस के साथ काम करने वाली कंपनियां लिमिटेड होती है। ठीक है, तो वही चीज़ें हम लोग बार बार रिपीट करते रहते हैं, अननेसेसरली क्यों इधर उधर जाने का। सो अभी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जब भी मार्केट ऐसे ही ऑल टाइम हाई पे करीब पहुंच जाता है या फिर नया फ्रेश हाई लगा देता है, तो कुछ कंपनीज के को एंड उनके शेयर होल्डर्स को यहाँ पे लॉटरी लग जाती है। एंड उसी की बातचीत हम लोग अभी इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो पहली कंपनी, मैंने इसके पहले भी हाल ही में वीडियो बना के बताया था आपको कि अगर बाजार मान लो इसी महीने के अंदर ऑल टाइम हाई लगाएगा तो आप इन कंपनीज को देख सकते हैं। उसमें से पहला तो CDSL ही आपको बताया था, एंड CDSL ओपन डिस्क्लेमर, यस ये कंपनी मेरे पास भी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसी धमाकेदार तेजी के चलते तो CDSL में भी यहाँ पे हम लोगों को अभी बहुत अच्छा खासा फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप देखोगे CDSL तो टॉप लेवल से मतलब आपको अच्छी खासी गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, बट जब जब मार्केट ऐसे टॉप लेवल पे जाता है ना, एक बाइंग करने के लिए रीज़न मिल जाता है। एंड वो रीज़न मिल गया, ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी और यहाँ पे ऐड कर दी थी तो इसके चलते क्या हो जाता है, यस एवरेज के करीब पहुँच जाता है। एंड अभी जैसे ही ये धमाकेदार तेज़ी आज दिख गई CDSL में, तो ओवरऑल जो रिटर्न्स है वो अभी हम लोगों के मतलब मेरे में अपने पर्सनल हिसाब से बात कर रहा हूँ तो वो पॉजिटिव होते हुए देखने को मिले हैं। अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, यस बहुत सारे लोग तेज़ी देखकर निवेश कर लेते हैं एंड उसके बाद कुछ करते ही नहीं, स्टॉक नीचे आया तो ना तो उसको एवरेज करते हैं, बस देखते रहते हैं, तो फिर उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि स्टॉक यहाँ तक कब आएगा, तब तक वो लॉस में ही रहते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर की, रैंडम बाइंग। सो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उनको बहुत सारे स्टॉक्स में मतलब नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में अगर आप स्टॉक को चेक भी करोगे तो कोई 40% डाउन होगा, कोई 50% डाउन होगा, कोई 60% डाउन होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो वो टॉप लेवल पे बाय करते हैं एंड उसके बाद यस एवरेजिंग भी नहीं करते, तो दो साइड से उनको नुकसान यहाँ पे हो जाता है। एनीवे, CDSL की बात करें तो आज आप देख सकते हो 6% की, 6.25% की तेजी देखने को ले। एंड हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच जाता है, टच कर लेता है, तो इसमें भी एक तेजी यूजुअली बन जाती है। अगेन कहना चाहूँगा, इसको फिक्स फॉर्मूला की तरह मत देख लेना, बट यस प्रोबेबिलिटी की तरह देख लेना कि अगर आप 10 बार इन चीज़ों को चेक करोगे तो आप पाओगे कि यस 7 से 8 बार ऐसी चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती है। होता है 2 बार ऐसा भी होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई अचीव करेगा बट CDSL में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं होगा, ऐसा भी होगा। बट प्रोबेबिलिटी की बात करें, यस मैक्सिमम टाइम ऐसी चीज़ें आप लोगों को होते हुए देखने को मिलेगी, जो कि आज के दिन का एक और प्रमाण आप यहाँ पे देख सकते हो। सो CDSL में तेज़ी क्यों आती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता के रख चुका हूँ। इसके पीछे का रीज़न है रिटेल इन्वेस्टर। जब भी बाजार ऑल टाइम हाई अचीव करता है तो न्यूज़ चैनल के ऊपर आप लोगों ने देखे होंगे, हेडलाइंस बन जाते हैं। अभी अखबारों में भी आप कल देखोगे कि यहाँ पे हेडलाइन बन जाएगी कि मार्केट ने क्या कर दिया, अपना नया फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया। एंड जैसे जैसे ये ऑल टाइम हाई की बातें होंगी तो नेक्स्ट टारगेट्स की भी बात स्टार्ट हो जाती है। एंड टारगेट्स फिर कोई छोटे मोटे टारगेट्स नहीं देता है, कोई 20,000 की बात करेगा, कोई 21,000 की बात करेगा, एंड वो कोई गलत बात नहीं करते, बट जो पढ़ने वाले होते हैं सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, 20,000 21,000। उनको लगता है कि कल के दिन ही निफ्टी 20-21,000 की बात कर रहे हैं तो चले फटाफट यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, हमारा मौका ना चला जाए। बस वो जो टारगेट की बात करते हैं उसका पीरियड भी देख लेना, वो ऑब्वियसली लंबी अवधि की थोड़ा बात बातचीत यहाँ पे करते हैं, बट हमारे प्यारे रिटेल इन्वेस्टर थोड़े से जल्दबाजी में आ जाते हैं, आधी अधूरी चीज़ें पढ़ लेते हैं एंड ये सोचते हैं कि वो फटाफट टारगेट की बात करें, इसलिए वो क्या कर लेते हैं, यस वापस डीमैट अकाउंट खोलने की शुरुआत कर लेते हैं या फिर इसको रीएक्टिवेट कर लेते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, रिटेल इन्वेस्टर का सुपर डुपर पार्टिसिपेशन वापस बाजार में भीड़ के साथ आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड रैंडम बाइंग, यस दोस्तों ये सबसे डेंजरस चीज़ हो जाती है। मतलब कोई भी रिटेल इन्वेस्टर अभी देखेगा अरे ऑल टाइम हाई पे आ गया तो वो फटाफट डीमैट अकाउंट ओपन करेगा, ज़्यादा अभी कोई दिक्कतें तो होती है नहीं, अब आधे घंटे के अंदर अंदर, आधा घंटा भी बहुत बोल दिया मैंने, 15-20 मिनट के अंदर ही डीमैट अकाउंट खोलकर यहाँ पे क्या कर सकते हो, चीज़ों को रेडी कर सकते हो। और जैसे डीमैट अकाउंट रेडी हो जाएगा वो क्या करेंगे, यस बाइंग करना स्टार्ट करें, और सिर्फ बाइंग नहीं बोलना चाहिए, एक वर्ड होता है रैंडम बाइंग, बस अंधाधुंध बाइंग वो करना स्टार्ट करेंगे। एंड चलो बाइंग कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लो, ऐसे कोई बात नहीं है कि अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का रहेगा तो फिर आपको आप भी बाय करोगे तो नुकसान होगा। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या आ जाता है, सबसे बड़ी मिस्टेक वो क्या कर लेते हैं, जो मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ,
स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, ठीक है। अगर कोई स्टॉक अगर उनको डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, नहीं वो स्टॉक्स वो देखेंगे भी नहीं, वो उस वो स्टॉक को प्रमाण दे देंगे कि वो खराब स्टॉक है, ये तो बर्बाद स्टॉक है, ऊपर से 30-40% गिरा है, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो जाएंगे ऐसे स्टॉक में बिल्कुल ऐसा रॉकेट की तरह टॉप पे रहेगा, उसकी तलाश की जाएगी, क्योंकि वही स्टॉक बेस्ट है, क्योंकि उसमें गिरावट नज़र नहीं आ रही ना, दैट्स इट, वहाँ पे रैंडम बाइंग शुरू हो जाती है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि जो स्टॉक ऐसे टॉप लेवल पे चल रहे ना, उनमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा तेजी भी धीमे धीमे आना स्टार्ट हो जाती है, छोटा छोटा पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है ना रिटेल इन्वेस्टर का, तो ये थोड़ा बहुत ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं करके, बट यस थोड़ा बहुत मतलब हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टॉक अच्छे चल रहे होते हैं, ठीक है, थोड़े और महंगे हो जाते हैं, ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, एंड कभी ना कभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, फिर वो नीचे आ जाते हैं। एंड बड़े प्लेयर्स को पता होता है कि ये चीज़ें होती रहती है, रिटेल इन्वेस्टर अभी आएंगे और इन प्रकार के चलते उनको क्या करने को मिल जाता है, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी करने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड CDSL भी अगर आप देखोगे, अगर मैं बोलता हूँ अरे CDSL अच्छा है करके, ओके, तो वो नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, देखिए टॉप लेवल से वो नीचे है करके खराब हो गया, तो फिर वो टॉप वाला ही पकड़ने जाएंगे। सो ये गलती आपने तो एटलीस्ट यहाँ पे नहीं करनी, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एंड यस, CDSL जैसी कंपनी को अभी क्या हो सकता है, इस चीज़ के चलते रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने के चलते, ज़्यादा बाइंग सेलिंग होने के चलते, ठीक है, मैं डेरिवेटिव मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेटिव मार्केट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग नॉर्मल बाइंग सेलिंग की बात करते हैं, जो डिलीवरी रहती है CNC की हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इसके चलते इनको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो CDSL को आप जरूर यहाँ पे स्टडी करने के लिए फोकस में रख सकते हो, मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, बैलेंस शीट देखोगे तो बहुत बार बता चुका हूँ कि जीरो कर्जे, मतलब एक भी रुपया कर्जा नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, कंपनी के RNS की भी अगर हम लोग बात करें, रिजर्व एंड सरप्लस की, तो वो भी देख सकते हो, लगभग 850 करोड़ से भी ज़्यादा के हम लोग को रिजर्व देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जब जब बाजार ऊपर भागेगा CDSL का हमेशा जिक्र यहाँ पे किया जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखोगे तो लगभग 60 करोड़ के आसपास रफली अप्रॉक्सीमेटली कैश भी देखने को मिल रहा है। तो एक मिड साइज की कंपनी जैसी होनी चाहिए, उसके बैलेंस शीट होनी चाहिए, वैसे CDSL का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इनके जो शेयर होल्डर इतने समय से परेशान हो रहे थे, हम कह सकते हैं कि अगर बाजार की तेजी ऐसी ही बनी रही, ठीक है, कंटिन्यू रहे, क्योंकि आपको पता है बाजार में अनसर्टेनिटी चलती रहती है, सो अगर बनी रही तो डेफिनेटली ये तेजी बहुत सारे रिटेलर्स को अट्रैक्ट करेगी। एंड रैंडम बाइंग के चलते CDSL जैसी कंपनी को आने वाले समय में उनके नंबर सुधर जाएंगे, तो इसके चलते उनको अच्छा खासा फायदा लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हो सकता है। सो जरूर CDSL जैसी कंपनी आप यहाँ पे बार बार स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, जो कि हम लोगों को ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट जो फ्लोरिंग प्लेटफॉर्म होती है वो प्रोवाइड करती है। दो ही कंपनी शेयर मार्केट में रिकग्नाइज अगर हम लोग बात करें तो, NSE एंड BSE। तो NSE तो फिलहाल लिस्टेड है नहीं, तो हम लोग बात करें BSE। यस, BSE में भी आप देख सकते हैं आज के दिन 3.75% की अच्छी तेजी देखने को मिली। इसकी भी कहानी वैसी ही है, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल मार्केट में इच्छा नहीं होगी तो ये स्टॉक नीचे, जैसे बुल रन आएगा लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी, ज़्यादा ट्रेडिंग, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगा, तो ये भी कंपनी अच्छा कमाएगी, तो ये स्टॉक भी तेज, फिर वापस ये नीचे, फिर वापस जैसे बाजार वापस रिकवरी की ओर देखने को मिल रहा है तो इस स्टॉक में भी वापस बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो इतना सिंपल सा गणित है दोस्तों। तो याद रखें, जब भी मार्केट भविष्य में, आज नहीं तो कल 20,000 जाएगा, 25,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, तो चेक कर लेना उस वक्त कि ये कंपनियां कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। एंड खास करके तेजी ज़्यादा कब आ जाती है, यस, जब मार्केट बहुत टाइम के बाद ऑल टाइम हाई लगाता है। मतलब अभी आप देख सकते हैं लगभग 1.25 साल 1.5 साल यहाँ पे हो गया, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा था, ठीक है, उसके बाद अभी इस कंपनी ने हाई लगाया है। तो इसके चलते जो तेजी भी रहती है इन कंपनीज में वो थोड़ी सी हम लोग को और ज़्यादा देखने को पे मिल जाती है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन है मैं बार बार कहना चाहूँगा, अभी हाल ही में अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तभी स्टॉक प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज तभी कंपनी ने बोनस यहाँ पे नहीं दिया था। अभी अगर हम लोग बात करें 2022 में कंपनी ने 2:1 का यहाँ पे बोनस भी यहाँ पे दिया था, मतलब एक के बदले दो शेयर भी यहाँ पे दिए थे। देन अगर हम लोग बात करें, ये भी कंपनी का जो बैलेंस शीट है अच्छा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है, कोई भी कर्जा नहीं है, लगभग 2200 करोड़ के आसपास के हम लोग को RNS रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रहे हैं। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो कितना है कैश कंपनी के पास, तो 950 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। सो ठीक ठाक बैलेंस शीट वाली ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इस भी कंपनी का अगर मैं साइज की बात करूँ तो ये भी अगर एक देखा गया तो एक मिड कैप क्वालिटी का ही, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप का ही हम लोग को स्टॉक देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डीमैट अकाउंट के बिना आप तो मार्केट में एंटर भी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली लोग डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे भागेंगे। अभी बहुत सारे डीमैट अकाउंट आपको मतलब ब्रोकर्स आप लोगों को बाजार में यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, बट शेयर मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छे से सुन लेना, शेयर मार्केट के हिसाब से अभी देखा गया तो नंबर वन ब्रोकर कौन है डिस्काउंट में, तो Zerodha है। देन अपस्टॉक देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारे ब्रोकर देखने को मिल जाते हैं, बट ये Zerodha अपस्टॉक तो शेयर मार्केट में तो है नहीं, लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो लिस्टेड इसमें अगर देखा गया तो रिटेलर्स जहाँ पे जाते हैं उसमें से अगर देखा गया तो एक ही कंपनी है, वो है AngelOne, ठीक है। सो AngelOne मतलब जिसका परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से बात करो, 5 साल के रिटर्न्स भी देखना,
25% के रिटर्न्स, एंड वो भी क्यों, जैसे आपको बताया था कि जब भी मार्केट में तेजी आएगी जबरदस्त यहाँ पे अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। एंजल वन के मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुन लेना कि उन्होंने इतना बड़ा डीमैट अकाउंट ओपनिंग कभी देखा नहीं था, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। उसके बाद देखिए फिर क्या हो जाता है, स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तेजी यहाँ पे आ जाती है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझने की कब एग्जैक्टली सही टाइम यहाँ पे होता है। सो ये अभी फिलहाल जब भी मार्केट इस प्रकार से रॉकेट की तरह यहाँ पे भागता है तब हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये इस वीडियो का मेजर कंक्लूजन यहाँ पे हो चुका है। सो आप चाहो तो इन तीन कंपनीज को अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंजल वन की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक मिड साइज की कंपनी है। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मिड साइज के कंपनीज में यस करेक्शन भी उतने ही बड़े होते हैं। तो ये भी एक मेंटली प्रिपरेशन आप लोगों ने करके यहाँ पे रखना।